The transition from the state N2-3 in a hydrogen atom like result in ultraviolet radiation. अब देखो एक ट्रांजिशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हुआ है, 3 से 1 तक गया। पहले एक्साइट इनर्जी लेवल जो था वो 3 था, 3 से 1 में हो गया, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकला। हमेशा विजिबल नहीं निकलती, हमेशा कलर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो कलर निकलने के कुछ रीज़न होते हैं, बामर सीरीज में निकलते हैं, बट ये बामर सीरीज तो नहीं बनेगा ना, ये एन इक्वल टू अगर 3 में तो ये लाइमन बनेगा, एन इक्वल टू 3 to 1 इन ए हाइड्रोजन एटम लाइक रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन। अब देखो अल्ट्रावायलेट रीजन हम सबको पता है, पहले तो आप याद कर लो कि जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकलती है, और बामर सीरीज में, बामर सीरीज में, और बामर सीरीज में विजिबल विजिबल मतलब कलरफुल निकल सकता है, और लाइमन, बामर, पासेन, और उसके बाद पासेन, फुंड और ब्रेकेट, ये सब इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये तो लाइमन में अल्ट्रावायलेट है, तो बता ही रहा विजिबल है नहीं, क्योंकि विजिबल होता क्योंकि यहाँ से देख रहे हो, अब हमें इंफ्रारेड रेडिएशन चाहिए। तो इंफ्रारेड रेडिएशन या तो पासेन, ब्रेकेट, पासेन, फुंड या ब्रेकेट में होता है, तो ये तो लाइमन हो गया, तो ये तो गलत है, ठीक है। और ये यानी ए टू है, बामर है, विजुअल है, ठीक है, और ये भी बामर है, विजुअल रीजन में लाई करेगा। तो ये जो 3 में जंपिंग हुई ये पासेन सीरीज है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, 4 से अगर 3 में जंपिंग हुई है तो कौन सा सीरीज बनता है, पासेन सीरीज। और पासेन सीरीज का कौन सा रेडिएशन रिमिट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज डी ऑप्शन सही है। तो याद कर लेना, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन था।